हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक नेटवर्क विद अंजलि। आज हम बनाने वाले हैं मसाला पराठा। तो उसके लिए हमने लिया है यहाँ पे 1 कटोरी आटा, 1/2 कप आटे में हमें मिक्स करना है थोड़ा सा घी। आप चाहें तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दो चम्मच घी ले रहे हैं और थोड़ा सा नमक लेंगे हम। और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, मैंने एक अच्छा सा इसका डो प्रिपेयर कर लिया अच्छे से मिक्स करने के बाद। और अब मैं बनाऊंगी इसका लच्छा पराठा। तो उसके लिए मैंने कुछ मसाले मुझे लेने हैं। इसको मैं रख दूंगी 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए ढक के। और कुछ मसाले मैंने लिए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी ली है मैंने, और 1/2 चम्मच मैंने नमक लिया हुआ है। नमक मैंने आटे में भी मिक्स किया था इसलिए मैं बहुत थोड़ा सा ले रही हूँ। और ये ली है मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर, और ये ली है मैंने थोड़ी सी रेड लाल मिर्च, और ये लिया है मैंने चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप आमचूर पाउडर भी मिला सकते हैं। और अब इन तीन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अगर आपके पास गरम मसाला नहीं है तो सांभर मसाला जो होता है उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। इसको मैंने मिक्स कर लिया है। और अब मैं देखिए फ्रेंड्स, आटे को हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। तो मैं अब इसको अच्छे से फिर से एक बार सही कर लेती हूँ और इसके बाद इसकी लुइयाँ काट लूँगी। इसकी मैंने 5 लुइयाँ बना ली हैं। तो चलिए इनको साइड में रख देते हैं और 1 लुई को अच्छे से और इसको सूखा आटा लगा के बेल लेंगे। फ्रेंड्स, हमने 1 रोटी बना ली है और अब इसके ऊपर मुझे अच्छे से घी को ग्रीस करना है। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी रोटी पे अच्छे से लगा लेंगे। और फिर यहाँ पे जो मैंने ये मसाला बनाया हुआ था इसको स्प्रिंकल कर देंगे। ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप किसी भी रायते के साथ भी खा सकते हैं या किसी सब्जी या चटनी के साथ भी इसको खा सकते हैं। और ये ऐसे भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ये हमारे पास है कस्तूरी मेथी, तो इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो इसको मैं स्प्रिंकल कर देती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी वीडियोस क्यों नहीं आ रही, तो ये मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया हुआ है। तो इसीलिए इस बार कुछ कम मैसेजेस आए और मुझे टाइम नहीं मिल पाता है इस टाइम। और अब शायद कोशिश करूंगी मैं कि आपको डेली वीडियोस दूँ। तो ऐसे इसको अच्छे से स्प्रिंकल कर लिया है। और इसके बाद जैसे हम पंखे के लिए वो कागज़ का पंखा जो बनाते हैं उसको मैं दबाते हुए बनाते हैं, ठीक उसी तरह रोटी को इसको बनाना है। ये देखिए, ये सारी परतें, ये देखो अच्छे से। और एक साइड से इसको पकड़ना है और इसको गोल गोल राउंड शेप में कर लेना है।
बीच में उंगली रखे रहेंगे, और लास्ट में जो हमारा ये रोटी का दूसरा साइड होगा उसको हम इसमें पिंच कर देंगे, और फिर पूरी लोई को अच्छे से चपटा कर लेंगे। ये देखिए, और अब इसको सूखा आटा लगा करके अच्छे से बेल लेंगे हम। तो सूखा आटा थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देते हैं इसके ऊपर ताकि ये चिपके ना, और अब इसे बेल लेंगे। फ्रेंड, हमारा पराठा अच्छे से बन के तैयार हो चुका है, तो अब हम इसको सेक लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड का हमारा पराठा थोड़ा हो चुका है, तो मैंने इसे पलट दिया है। इसे मीडियम फ्लेम पे ही पराठे को सेकेंगे, और इसमें फिर से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं घी। देखिए फ्रेंड्स, हमारे मसाले पराठे तैयार हैं और काफ़ी अच्छे और एकदम क्रिस्पी बने हुए हैं। ये देखिए एक एक परत निकल रही है इसकी। ये देखिए, ये किसी भी अचार के साथ या सॉस के साथ या फिर सब्जी के साथ आप इन्हें खा सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। जब कुछ भी आपको समझ में ना आए तो आप इस टाइप के पराठे बना के खा सकते हैं और खिला सकते हैं अपने घर वालों को, बहुत ही अच्छे टेस्टी लगते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।